रविंदर सिंह भाटी का ऐसा जलवा, एक दूसरे को ताकते रह गए बीजेपी नेता। दो राजपूत नेताओं के बीच बढ़ रही है अदावत। आखिर भाटी से क्यों बचते नजर आए राठौड़? अपनी अलग तरह की राजनीति से दिल्ली तक हिलाने वाले शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी जब जयपुर पहुंचते हैं तो माहौल ही बदल जाता है। बड़े बड़े राजनीति के सूरमा साइड होते हुए नजर आते हैं। कार्यक्रम में एंट्री से लेकर एग्जिट तक लग रहा था कि भाटी ने मानो पूरा कार्यक्रम ही हाईजैक कर लिया। हम आपको सिलसिलेवार हर एक तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे भाटी आए तो पहले माहौल बदला, फिर शब्द बदले और आखिर में मंच की तस्वीर ही बदल गई। पहले आप ये तस्वीर देखिए। जब रविंदर सिंह भाटी की एंट्री हो रही होती है तो दूसरी तरफ मंच पर बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भाषण दे रहे होते हैं। भाटी की लोकप्रियता और नारीबाजी को देख वो भी शायद चौंक जाते हैं। भाटी भाटी के शोर में वो अपना भाषण रोकते हुए भारत माता के जयकारे लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, पर बात नहीं बनती और मोदी मोदी के नारे लगाने की कोशिश करते हैं। सदियों से भारत को सुरक्षित मजबूत रखने का काम हमारे पूर्वजों ने करा है। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है हमारी संस्कृति का संरक्षण करने के लिए, हमारे धर्म का सुरक्षा करने के लिए। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। एक बार मोदी जी के साथ मेरी अगर हाथ ऊपर करो तो बोले मोदी 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 मोदी। भाटी के एंट्री के वक्त जिस तरह से भाषण को रोका जाता है और नारेबाजियां बदलती है, ये बताने के लिए काफी है कि भीड़ किसको देखने और सुनने आई थी। खैर, राजनीति तो उसके बाद शुरू होती है। अगली तस्वीर मंच की है। देखिए, एक तरफ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, बाल मुकुंद आचार्य हैं और बीच में रविंदर सिंह भाटी। जब भाटी का स्वागत किया जा रहा होता है, राठौड़ चुपके से खिसक जाते हैं, दूसरी तरफ आ जाते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या एक राजपूत नेता दूसरे राजपूत नेता की तरक्की को हजम नहीं कर पा रहा? खैर, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिलहाल तो आप आगे की तस्वीर देखिए। बाबा बाल मुकुंद आचार्य माइक थामते हैं और अगले ही पल ये ऐलान किया जाता है कि रावण दहन का समय हो गया। तभी आवाज आती है कि रविंदर सिंह भाटी जनता को संबोधित करेंगे। इस 10 सेकंड के वीडियो में पूरी राजनीति को समझिए। अब रावण दहन का समय हो गया। रावण दहन के लिए कैबिनेट मंत्री और मुख्य अतिथि रविंदर सिंह भाटी। इसके बाद रविंदर सिंह भाटी मंच को संभालते हैं। मंच पर जहां वो भाषण देने के लिए आगे बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ सामने ही बीजेपी नेता मंच से खिसकते हुए नजर आते हैं। इससे शायद मंच संचालकों को फर्क पड़ा हो, पर सामने खड़ी जनता तो मानो भाटी को ही सुनने आई थी। आपका इंतजार कर रही थी। भारत माता की जय। रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की। आज आजाद युवा संग्रह ये विशाल आयोजन में महासभा ने बिचवीना ब्राजोड़ा सम्मानित मंच सामा ब्राजोड़ा मारा लौटा युवा साथी पिता तुल्य बुजुर्ग मात्र शक्ति मुसभा प्रेम आजाद युवा संघ ने इस सातवों सफल आयोजन की खूब खूब बधाई दिया कि इतना भव्य आज आयोजन करायो है। एक बार जोरदार तालियां आजाद युवा संघ वास्ते। देखो भाइयों, अवसर है। आजों के दिन अधर्म रमाता धर्म री जीत हुई, असत्य रमाता सत्य री जीत हुई।
अंधकार में माथे प्रकाश जीत है। हमारा निवेदन की ये विजयादशमी अवसर में माथे आप सब भाई अपने सब भेड़ा हुए ये समाज ने मेरा व्याप कुरूतिया ने खत्म करा और आपे सब एकजुट हुए ये क्षेत्र ना ये देश ना आगे कांकर बढ़ा सका ये वास्ते प्रयास करने चाहिए। आप सवाल माता माता श्री आशीर्वाद यू ही बने बने खूब पुनः समस्त आयोजक ने खूब खूब बधाई दिया कि एक युवा ना ये तो लाड कोर दिनो ये तो प्रेम दिनो पश्चिमी राजस्थान में आने वाले ये भाई ना ये जयपुर जेड़े शहर में ना आप तो लाड कोर दिनो मैं आप सब मोटो भार आप सब लाड कोर दिने जो ये राजस्थान की विधानसभा रवीना सभा कम उम्र का सदस्य बनने का मौका मिले आप युवा साथियों ना बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आप सभा भी ना अरदास करा कि आप सब मेहनत करिया और जेत के भी संघर्ष का दौर है उल्टा मन रमीना विचार करा कि हमें भगवान आपकी परीक्षा में आप सभा ने माता माते श्री आशीर्वाद बने रहे हमेशा यहाँ इस मजबूत रहे मजा रहे और हमेशा यहाँ मुख्य रामचंद्र भगवान की राम नाम का जयकारा लगाकर रविंदर सिंह भाटी अपना भाषण समाप्त करते हैं और नीचे उतरते हैं तो भीड़ इस पल को कैद करने के लिए लालायित नजर आती है। रविंदर सिंह भाटी तो चले गए पर कई सवाल छोड़ गए कि भाटी की फैन फॉलोइंग बाकी दलों के लिए क्या परेशानियां बढ़ा रही है। इस तरह से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भाषण रोकना कई सवाल खड़े करता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।